हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है पनीर वेजिटेबल फ्रैंकी की। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उस पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। आप घी की जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग या ओरिगैनो ऐड करेंगे। इससे हमारे फ्रैंकी को बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। बट इन केस आपके पास ये नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्की सी पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग और रोज़मेरी ऐड करी है। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाइस किया हुआ एक अनियन डाला है, एक मीडियम साइज अनियन, और मैंने इसको लॉन्ग चॉप किया है। आप अनियन को अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कट कर सकते हैं। हमने अनियन को बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आज शिमला मिर्च और टमाटर डाले हैं। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। 1-2 मिनट तक हम सब्ज़ियों को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आज इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। आपको जो स्पाइस अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है उस क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। स्पाइसेस ऐड करके हम हल्का सा वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब हमारी वेजिटेबल्स एकदम तैयार हैं। हम इसमें पनीर क्यूब्स ऐड करेंगे। अब पनीर फ्रैंकी रोल है तो पनीर तो हम डालेंगे ही। अगर आप सिंपल वेजिटेबल रोल बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो। इनफैक्ट ये फ्रैंकी इतना आसान है, आप जो भी सब्जी आपके पास पड़ी है उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। आप सोया चंक्स भी डाल सकते हो। 1-2 मिनट तक टॉस करना है और लो, हमारा जो वेजिटेबल मिक्सचर है तैयार है। अब ये हम स्प्रेड किस पे करेंगे, उसके लिए मैंने नॉर्मल एक बड़ी सी रोटी बना ली है, नॉर्मल गेहूं के आटे की। अब रोटी पे लगाने के लिए हमें सॉसेस बनानी है। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है, उसमें हल्का सा ओरिगैनो ऐड किया है। साथ ही साथ थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। ज़रा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें वरना रहने दें। और टमेटो केचप, ये भी हल्की सी डालनी है, एक छोटा चम्मच। और इस सबको अच्छे से मिक्स करना है और हमारी पहली डिप एकदम तैयार है। अब इस डिप को हम रोटी पे स्प्रेड करेंगे। जो दूसरी डिप है वो नॉर्मल मैंने मार्केट से अवेलेबल मिंट वाली चटनी यूज़ करी है, तो आप कोई भी हरी चटनी घर पे बना सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो रोटी बनाई थी उसको सेकेंगे। यहाँ पे मैंने ये हेल्दी ऑप्शन लिया, इसलिए रोटी बिल्कुल व्हीट फ्लोर है, मैदे से मैंने ये रोटी नहीं बनाई है। जो नॉर्मल घर पे आपके पास गेहूं का आटा होता है, जो आप नॉर्मली जैसे भी गूंथते हो, उसी से आपने एक लंबी सी रोटी बनानी है। बस उसको सेकना हमें ऐसे है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, हल्का हल्का सा घी लगा के, जैसे आप परांठा सेकते हो, बट आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, हल्का हल्का। आप इनफैक्ट जो आपके पास पहले से रोटी पड़ी है, आप उसको भी यूज़ करके बना सकते हो, अगर आपको एकदम से गरम गरम रोटी नहीं बनानी है तो। और लीजिए, अब हमारी रोटी एकदम तैयार है। अब इस पे हम अपना स्प्रेड लगाएंगे और फ्रैंकी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने जो मेयोनीज वाली सॉस बनाई थी, मैं वो लगा रही हूँ। अच्छे से इसको मैं पूरी रोटी पे स्प्रेड कर लूँगी। अब हम इस पे अपनी हरी वाली चटनी लगाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल धनिया पुदीना की, ये मार्केट से आने वाली ही चटनी, आप घर की भी कोई बना के लगा सकते हो।
पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी मार्केट से मिलने वाली, आप कोई भी लगाओ। इनफैक्ट अगर आपको हरी चटनी नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से इसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हम अपनी जो सब्ज़ी वाला मिक्सचर है उसको रोटी के बिल्कुल बीच में रखेंगे। आपने वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे अपने बीच में रखना है, क्योंकि साइड से हम रोटी को फोल्ड करेंगे। हमारा मिक्सचर एकदम अच्छे से रोटी पे लग गया है। अब हम रोटी को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करना बहुत आसान है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों साइड से रोटी को ऐसे फोल्ड करना है और बीच में हम एक टूथपिक इंसर्ट कर देंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो ओपन ना हो। और लीजिए, हमारा पनीर फ्रैंकी एकदम तैयार है। अब ऐसे ही आप अपने सारे रोल्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।